हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गिरावट है, लेकिन ये जो पाँच छः स्टॉक छः स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें इतनी ज़बरदस्त गिरावट है। आप देखिए, एक टाइम पे बहुत बड़े बड़े ये देखिए डिविडेंड दिया करते हैं स्टॉक, एक टाइम पे नहीं अभी भी डिविडेंड दिया करते हैं, टॉप के स्टॉक्स देखने को मिलेंगे आपको ये, लेकिन इतनी ज़बरदस्त गिरावट किसी ने यकीन भी नहीं किया होगा कि इन स्टॉक्स में ऐसे ऐसी गिरावट देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, कौन से स्टॉक्स इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, BPCL, पहले नंबर पर HPCL, दूसरा BPCL और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ONGC। ये देखिए, अब अगर आप देखें HPCL में 23% का आज 24% का गिरावट देखा गया, यानी कि अगर देखें तो 52 रुपीज़ का गिरावट, जो स्टॉक है वो 165 पे आके गिर गया है। BPCL देखिए 265 पे आके गिर गया, यानी कि इसका जो स्टॉक का प्राइस देखिए 65 रुपीज़ आज नीचे गिरा, ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे भी BPCL पे गिरावट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देखिए 118 का प्राइस है, आप देखेंगे तो 22 रुपये नीचे आया, 15% इसमें भी गिरावट। ONGC देखिए 147 पे पहुंच गया है, 25 रुपये का इसमें भी गिरावट, ऑलमोस्ट 15% का। अगर आप ये देखिए, ये सारे और भी स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन मेजर देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड 186 पे आ चुका है, 22 रुपये का इसमें भी गिरावट, ऑलमोस्ट 10 से 11% का। और आगे बात करते हैं हम गेल की, देखिए गेल, अगर आप देखें गेल में भी 35 रुपये का गिरावट, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का इसमें भी गिरावट देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं एक एक करके इन स्टॉक्स की। HPCL अगर आप देखें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टॉप का स्टॉक, 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 165 के प्राइस पर आ चुका है, और अगर देखें तो 52 रुपीज़ का आज डाउन देखा गया, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग वॉल्यूम देखा गया, मतलब ऑलमोस्ट 8 करोड़ से 70 लाख के अराउंड का इतना जो वॉल्यूम इसका ट्रेड हुआ था। अगर आप देखें तो 52 वीक अपने लो के अराउंड आ गया, देखिए बुक वैल्यू के अराउंड आ चुका है ये शेयर, 52 वीक लो 163 था, उसके अराउंड चल रहा है अभी ये शेयर, 484 का 52 वीक हाई था। और अगर आप ग्राफ पे देखें तो देखिए, अगर मैं पिछले 5 साल का इसका आपको ग्राफ दिखाऊं, आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, देखिए पिछले 5 साल में देखिए कहां तक गया था और अब किस लेवल पे आ चुका है, ये 150-60 के अराउंड आ चुका है, यानी कि अगर आप इसका सपोर्ट देंगे तो सपोर्ट ऑलमोस्ट 150 से नीचे 140 के अराउंड है, और इससे पहले देखिए कब से 2014 से लगातार बढ़ रहा था ये ज़बरदस्त गिरावट, जो 2017 के मिड से चालू है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। अब बात करते हैं BPCL भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम देखिए इसका शेयर किस तरीके से गिरा है, आप खुद देखिए, ऑलमोस्ट 73,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा दिखेगा आपको, बुक वैल्यू 177 की है, लेकिन इसकी गिरावट आप खुद देखिए, अगर पिछले 5 साल की अगर इसमें गिरावट देखते हैं तो किस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, आप खुद देखिए बहुत ज़बरदस्त गिरावट, ये देखिए पिछले 5 साल में कहाँ से कहाँ गिरावट देखने को मिली है इसके स्टॉक में। आप देखिए 2013 में किस लेवल पे ये स्टॉक था 2014 में, और देखिए 100 रुपीज़ के लेवल से वो हुआ था, लेकिन अब देखिए अपने ये सपोर्ट लेवल के अराउंड आ गया है, और उम्मीद करते हैं कि ये 200 के लेवल्स पे भी आएगा ऐसी गिरावट जारी रही तो। ये था BPCL। अब देखते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगर देखें तो इस स्टॉक में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, देखिए आप खुद, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 1,36,000 करोड़ हो चुकी है, कम होते जा रही है डे बाई डे, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की, अर्निंग पर शेयर 24 रुपये का, शेयर प्राइस देखिए 22 रुपये नीचे गिर के 118 तक आ चुका है, और अगर इसका वॉल्यूम देखें तो कितना वॉल्यूम इसका ट्रेड हुआ आप खुद देखिए, 8 करोड़ 8 लाख इतना वॉल्यूम इसका ट्रेड हुआ, 52 वीक लो के अराउंड चल रहा है, 118 का 52 वीक लो दिख रहा है, अगर 5 साल का इसका ग्राफ देखें तो किस तरीके का 5 साल का ग्राफ है वो देखिए आप, कि 5 साल के ग्राफ में भी जो इसका सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है वो ये देखिए आप खुद देखिए, 100 रुपीज़ के अराउंड का सपोर्ट जोन दिख रहा है, 100 और 75 से 100 के बीच में आगे कुछ आने वाले टाइम में ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक, इस लेवल पे इसको थोड़ा स्टेबिलिटी मिल सकती है। ऑयल एंड नेचुरल ONGC की बात करते हैं, देखिए ONGC में भी ज़बरदस्त गिरावट है, ऑलमोस्ट 15% ये भी गिरा है आज, वॉल्यूम देखिए 3,52,00,000 इतना वॉल्यूम इसका भी गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के ऊपर आ चुका है, बुक वैल्यू 171 की है, टॉप की बुक वैल्यू है, लेकिन गिरावट बिल्कुल चरम सीमा पर है। आप देखिए मार्केट इतनी ज़बरदस्त गिर रही है और ये स्टॉक इसके मेन रीजन है, ये गिरा रहे हैं मार्केट को, ये देख लीजिए आप खुद देखिए किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था और अब किन लेवल्स पे आ गया, 150 के लेवल्स पे आ चुका है, और अगर इसकी बात करें इसकी जो आगे कुछ टाइम तक ये 150 से नीचे मतलब 110-120-130 के अराउंड भी ट्रेड कर सकता है ONGC। अब बात करते हैं हम ऑयल इंडिया की, चलिए ऑयल इंडिया का अगर आप देखें तो इसमें भी 10% 11% की गिरावट इसमें भी देखने को मिली है, 186 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, अर्निंग पर शेयर इसका भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बुक वैल्यू देखिए ऑयल इंडिया की कितनी है, 383 की बुक वैल्यू है, और वॉल्यूम आज
29 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 2383 की बुक वैल्यू है, 23,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन गिरावट गिरावट भी इसमें भी अपने चरम सीमा पे गिरावट है। पिछले 5 साल का ग्राफ देखें अगर हम, तो देखिए किस तरीके से गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। आप खुद देखिए ये स्टॉक भी बहुत नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट देखिए 186 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये भी देखिए 150 तक आने की इसकी भी उम्मीद है। बिल्कुल जिस तरीके से गिरावट जारी है, आप किसी भी लेवल पे ये नहीं कह सकते ये इसका सपोर्ट है, क्योंकि पुराने सपोर्ट टूट रहे हैं, नए सपोर्ट बन रहे हैं। इस तरीके से गेल इंडिया देखिए, आप गेल इंडिया में आप ये देखिए, गेल इंडिया 332 का था, अगर आपने देखिए किस 2 करोड़ 10 लाख इतना वॉल्यूम इसमें भी ट्रेड हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी 83,000 करोड़ की है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा है, लेकिन गिरावट बुक वैल्यू देखिए 184 की है। गिरावट आप देखिए किस तरीके की गिरावट इसमें चल रही है, बहुत टॉप का बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ किस लेवल से कहाँ तक आ गया है। इसमें तो बहुत अच्छे से ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन स्टॉक्स की अगर आप देखें, टॉप की HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, ONGC, IOCL, ये कंपनीज बहुत ज़बरदस्त गिर रही हैं। और इनका मेन रीज़न अगर आप देखें, अभी गवर्नमेंट जो जो गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2.5 रुपया और बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट से भी 2.5 रुपया, तो अच्छी खासी गिरावट वहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से इनको अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और तो दूसरी बात है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी डॉलर, क्रूड ऑयल डॉलर में बाई किया जाता है, तो डॉलर में बाई किया जाता है, डॉलर रुपी के कंपैरिजन में वो भी बढ़ता जा रहा है, तो इनको जो है बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है इन कंपनीज को। तो आप देखिए मेजरली ONGC तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन HPCL, BPCL, IOCL ये एक टॉप का नुकसान झेल रहे हैं ये कंपनीज, आप देख लीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इनमें बाइंग बना रखी होगी, लेकिन ये है एक क्रूशियल, एक क्रिटिकल टाइम चल रहा है स्टॉक मार्केट में, बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, हर मोड़ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, किसी भी तरीके का स्टॉक है सब धराशाही हो रहे हैं, आप ये देखिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।